आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दक्षा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमारे यहाँ था रुद्राभिषेक, दीदी और जेजे ने करवाया था, तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। बहुत बढ़िया से पंडित जी ने करवाया था, रुद्राभिषेक मंदिर में ही हुआ था। तो थोड़ा सा कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे कह सकते हैं, पर मैं वहाँ पर शुभम को भी बहुत याद कर रही थी। काश वो होता तो शायद हम लोग भी कर लेते किसी दिन, बट कोई नहीं, क्योंकि अकेली होती, शादी नहीं हुई होती, तो मैं इस समय पीछे रहने वालों में से हूँ नहीं, तो मैं खुद कर ली होती। बट कहते हैं कि शादी के बाद साथ में ही करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर पाई। मेरा मन तो बहुत था, बट कोई बात नहीं, मेरा भाई भी करने वाला है कुछ दिन में। मेरा भाई भी रुद्राभिषेक करने वाले हैं, कोई बात नहीं। शुभम तो लंदन में बैठे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो यार कल रात में जब मैं वहाँ से आई तो मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, मुझे फीवर सा लग रहा है। मुझे पहले लग रहा था कल, पर एक्चुअल में रात में हो गया, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चलूँ उठूँ और दवा खा लूँ, कि मुझे दवा बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता। जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन नहीं है, तब फिर मैं दवा का नाम लेती हूँ, दवा खाती हूँ। तो अभी ऐसा लग रहा है कि काम करना है, ऑफिस भी जाना है, इसी वजह से मैं कल सूट भी नहीं कर पाई हूँ, ब्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ। तो अभी फटाफट चलती हूँ, तैयार होती हूँ, उसके बाद आज ट्यूसडे है तो पार्वती हनुमान जी का प्रणाम करूँगी, उसके बाद तैयार होके चाय वाय पी के दवाई वाई खा के फिर ऑफिस जाऊँगी, क्योंकि ऑफिस भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से ट्यूसडे पूरा वीक जाना ही पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं, फटाफट तैयार हो जाते हैं। आज उठने में भी बहुत लेट हो गया है, कितना बज रहा था आपको? 8 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ 6 बजे से, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, जग रही हूँ बस, ऐसे ही लेटी थी, सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। फाइनली सोच लिया मुझे क्या करना है, चलो फटाफट तैयार होते हैं। ना देना अब तक जो निभाया है आगे। बहुत दिनों बाद स्किपिंग की है, वो भी पता है 101 बार की है। मुझे नहीं लग रहा था मैं कर लूँगी, इससे ज़्यादा मैं कर लेती थी पहले, बट बीच में आदत छूट गई, मैं करती नहीं। तो बाबू और दीदी ने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है कर लूँगी मैं, तो भाई सब तबीयत ख़राब थी, मन कर रहा था अब नहीं कूदने का, अब नहीं कूदने का, बस 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 दर में कूद जा रही थी, कूद जा रही थी, ऐसे से करके पूरा 101 बार हो गया। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कितनी बार स्पीकिंग कर सकते हैं, कि हंसी कूद सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, हर हर महादेव।